तेरा गम। तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो? मैं हाथ छोड़ूंगी। माही प्लीज तुम मुझे एक मौका दो। माही मैं मॉम को मना लूंगा। हमें ये शादी नहीं करनी यार। अली डिवोर्स है। वादा रहा मैं, जितना प्यार तुम छोड़कर आई उससे ज्यादा प्यार नहीं। अली माहीन, अगर एक कदम भी आगे और बढ़ाया तो मेरी तरफ से तुम आजाद होगी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, सो बेहतर है कि तुम दोनों भी चले जाओ यहां से। घर आए हुए बहू और बेटे से इस तरह बात करेंगे आप? क्यों क्यों नहीं कर सकता इस तरह से बात? मैंने वॉर्न किया था ना इसे, एक नहीं सुनी इसने मेरी। ये आप ठीक नहीं कर रहे डैड। एक सेकंड के लिए भी आपने नहीं सोचा ये सब कहने से पहले? मैंने नहीं सोचा, तुमने सोचा था हमारे बारे में, मेरे बारे में? अरे की ना अपनी मनमानी तुमने। डैड मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। गेट आउट फ्रॉम हियर। अभी के अभी मेरे घर से तुम दोनों निकलो। गेट आउट। चलो माही। और सुनो बरखुरदार, तुम्हारे पास जो क्रेडिट कार्ड है और गाड़ी की चाबियां हैं वो भी देते जाओ। जब तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है तो मेरी दी गई फैसिलिटी से भी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। हेलो भाई। अली रुको। अली चलो। अली आई एम सॉरी। भाई तुम क्यों सॉरी कर रही हो?
डैड की तरफ से तो ऐसा रिएक्शन बनता ही था, और सच पूछो तो मैं मेंटली तौर पर तैयार भी हूं, लेकिन उन्होंने जो मॉम के साथ सलूक किया वो मैं सोच भी नहीं सकता। मॉम बहुत हर्ट होंगी। ये हुआ तो मेरी वजह से है ना, मेरे साथ की वजह से हुआ ये सब कुछ। नहीं, तो मेरे लिए सब कुछ हो। हाँ, बैंक पैसों से जरूर खाली है, मगर दिल प्यार की दौलत से मालामाल। घर की टेंशन जरूर है, लेकिन उसका भी हो जाएगा। नहीं सर, अरे मामू। हाँ बेटा, घर चलें, अम्मो इंतजार कर रही हैं। नहीं मामू, अच्छा नहीं लगता। बेटा जिस घर में तुमने सारी जिंदगी गुजारी है, उस घर में जाते हुए अब तुम्हें शर्म महसूस हो रही है? नहीं मामू, ऐसी बात नहीं है, मगर मैं। बेटा बात कोई भी नहीं। देखो बेटा, मुझे अम्मो ने कहा है कि तुम दोनों को घर लेकर आऊं, और तुम दोनों को लिए बगैर मैं जाऊंगा नहीं। वैसे भी अंदाजा था हमें कि तुम्हारे अब्बा जो हैं, उन्होंने किस किस्म का तुम लोगों का इस्तकबाल किया होगा। चलो शाबर बैठो। मुझे फराज भाई से यही उम्मीद थी, इसीलिए मैंने दानी से कह के माही का कमरा अरेंज करवा दिया था। सारा बेटा, माही को उसके कमरे तक ले जाओ। शगुफ्ता, क्यों तुम सारा को तकलीफ दे रही हो? माही को कमरे तक तुम खुद छोड़ा। मैं ले जाती हूँ। अली बेटा, तुम भी जाओ, आराम कर लो, थक गए हो। सारा, सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया। सारा बहुत डिस्टर्ब्ड है वो।
बहुत बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, तुम या मैं कर भी क्या सकते। माही, मैं तुमसे प्यार करता हूं, उससे नहीं, उसे खुद को समझाना पड़ेगा, समझ जाएगी वो, समझ गई तो संभल भी जाएगी। हाँ, ये तुम्हारे लिए बहुत पहले लिया था, हमेशा अपने पास ही रखा। आम सा गिफ्ट है, हमारे स्टैंडर्ड का लगा ही नहीं तो दिया ही नहीं। पहली बात तो ये कि ये आम सा नहीं। तुम मुझे कुछ ना भी देते तो मुझे कोई शिकायत ना होती, तुमने पहले ही इतना कुछ कर लिया। आज ऐसी कोई भी बात नहीं, ये बस एक गिफ्ट है, तुम्हारी मुंह दिखाई मुझ पर उधार रहे। जॉब मिलते ही सबसे पहला काम यही करूंगा। इतनी सुबह क्या कर रही हो उठ के? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस ताई अम्मी, नींद नहीं आ रही थी, सुबह नमाज के लिए जागी थी, सोचा किचन में आके नसरीन का हाथ ही बटा दूं। बना क्या रही हो सुबह सुबह? दम कीमा, अली को बहुत पसंद है ना। ताई अम्मी, ये आके जरा चेक करें, ये भुन गए कैसे? और भुनो। और भुनेगा भी। कितनी देर? 10-15 मिनट। टेस्ट तो ठीक है ना इसका? डरा दिया तुमने मुझे। अच्छा, अब मैं इतना खौफनाक भी नहीं हूँ, बस ठीक ठाक तो लगता हूँ। हाँ ये तो है। थैंक यू। ओके,
हो गया। थैंक यू। हज, तुमने ये सूट क्यों पहना है? वो मुझको ना ब्राइड कलर्स अच्छे नहीं लगते। वह मैं तुम्हें, मुझे तो तुम हर कलर में अच्छी लगती। रुको एक मिनट। हाँ तो तुम आज ये पहनो। अली ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सब मजाक उड़ाएंगे और दानी स्पेशली। अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ तुम्हें इसी जोड़े में देखूं, तब भी नहीं पहनोगे? वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ऐसे ही हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। चलो नाश्ते पे सब इंतजार करें। अली मैंने तुम्हारी पसंद का दम कीमा बनाया खुद। ओ फिर तो खैर नहीं मेरी। अच्छा आओ ना चलो। माही एक दो रोज मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, पैकिंग कर देना। आप छोड़ देते मुझे? अब इस बात का क्या मकसद? मैं अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर अगर अली से मिलती तो दे देते तलाक। हाँ दे देता। बता दिया कि आपकी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जब तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की नजर में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तो मुझे भी नहीं है। परवा तो आपने कभी किसी की ही नहीं। शादी करके सारी फिक्रों से खुद को आजाद करके मुझे कैद कर लिया। परवा है तो सिर्फ अपनी अनाथ भी मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में। मुझे दिखाई में क्या दिया? बस ये दिया अली ने। जाहिर है जब बीवी सब्ज़ कदम होगी तो शौहर के पास देने के लिए बचेगा क्या? अम्मी प्लीज। वो बेचारा भी क्या सोचता होगा कि उसने निकाहनामे पर साइन किए हैं या अपनी बर्बादी पर मोहर लगाई। अम्मी प्लीज बस कर दे।
अरे क्या हुआ, सच बुरा लगा? बस कर दें अम्मी, क्यों सुनाए जा रही हैं बेचारी को आप? बेचारी क्यों होने लगी है? बेचारे तो वो होते हैं ना जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। इसके साथ तो मैं, ये माही है, बेचारी नहीं। हाँ हाँ, लेकिन इसने तुम्हें कैलाश जरूर बना दिया। जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होते हैं ना, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। मैं भी कर लूंगा इंशाल्लाह। चले माही। देखा तुमने कैसे साइड ले रहा था माही की। सुने? सुनाइए। अरे भाई, हम तो हैं ही आपकी सुनने के लिए। मैं सीरियस बात कर रही हूं। कहो। मैं ये कह रही थी कि क्यों ना हम माही और अली को हनीमून पे भेज दें। जिन हालात में उनकी शादी हुई है वो बेचारे तो सही से एंजॉय भी नहीं कर पाए होंगे। ठीक कह रहे हो। चलो फिर मैं वसीम भाई से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं। क्या सोच रही हो तुम? कह दो, नहीं कहोगी तो खामखा यूं ही परेशान रहोगी। इरम का फोन आया था, वो बहुत परेशान थी, पराज भाई ने उसके यहाँ आने पर पाबंदी लगा दी। पराज बदल नहीं सकता, वो हमेशा की तरह जज्बाती ही रहेगा, सोचे समझे बगैर फैसला कर देता है, फिर खुद ही उसके ऊपर बाद में पछताता है। अरे फिक्र मत करो, कुछ दिन में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो इरम को खुद ही लेकर आ जाएगा। ऐसे करो, इरम को फोन करो और उसे तसल्ली दो। मैंने कहा ना, फिक्र मत करो। ठीक है, करूंगी मैं फोन। मुझे जल्दी जॉब तलाश करनी है भाई, और जॉब मिलते ही हम किसी नई जगह पर टेंट पर शिफ्ट हो जाएंगे। अली, ये तो अपना ही घर है, तो फिर क्यों? हाँ, ये भी अपना ही है, लेकिन मैंने तो ऐसी जिंदगी देने के लिए नहीं सोचा था भाई। बहुत से ख्वाब देखे थे मैंने जो भी पूरे नहीं हुए, लेकिन मैं जरूर पूरा करूंगा। यकीनन पूरा करोगे। तुम्हारा साथ और मुझ पर किया हुआ यकीन हमारे साथ रहेगा ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। कॉफी ये लो। नहीं यार, कॉफी का मूड नहीं है मेरा। तुम लोग एंजॉय करो, मैं आता हूं।
सारा मेरी कॉफी तो दो। थैंक्स। Get out from here. अभी के अभी मेरे घर से तुम दोनों निकलो। Get out. और सुनो बरखुरदार, तुम्हारे पास जो क्रेडिट कार्ड है और गाड़ी की चाबियां हैं वो भी देते जाओ। जब तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है तो मेरी दी गई फैसिलिटी से भी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। अली, क्या हो गया है आपको? इससे दो दिन ही तो मैं बाहर रहा हूं। क्या हाल बना लिया आपने अपना? पढ़ाई के लिए कितने अरसे तो मैं बाहर था ही। सबकी बात और थी बेटा। अच्छा पैर छोड़, तुम अंदर चलो, तुम्हारे डैडी इस वक्त घर में नहीं। नहीं मां, अंदर नहीं आऊंगा। तुम बाप बेटी की लड़ाई में मेरा क्या कसूर है? का कोई कसूर नहीं है माँ। अगर मेरा कसूर नहीं है तो फिर मुझे सजा क्यों दे रहे हो? इसको आप सजा नहीं, आजमाइश समझो। मुझे जॉब मिलने दे, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अगर इस वक्त मैं आपके साथ अंदर चला गया ना तो डैड को लगेगा कि मैंने आपके जरिए रास्ता बनाया अंदर आने का। बस कुछ वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। मां मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स ला देंगे? मैं लाती हूं। शकील बेटा, वो मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई, ले आना जरा। जी अम्मो, वापसी पे लेता आऊंगा दफ्तर से। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, हमारे माही को अनोखा दूल्हा मिला है, अकेले ही घूमने चला जाता है। नहीं नानो, घूमने फिरने नहीं गया था, बल्कि इंटरव्यू देने के लिए गया। बेटा, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? फराज का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो तुम्हें अपने ऑफिस बुला लेगा। नहीं मामू, अब मैं उनके ऑफिस नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। चलो ठीक है, जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक मेरी एजेंसी में आकर बैठ जाए। अरे नहीं, आप लोगों ने तो ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, और फेवर नहीं ले सकता। क्या गैरों जैसी बातें कर रहे हो? हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जो तुमने किया है वो इसके आगे तो कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, तुम जॉब करना चाहते हो कर लेना, लेकिन पाकिस्तान टूर से वापस आने के बाद। अरे मैंने तुम दोनों के लिए शादी का तोहफा रखा है। अरे मां ना, कुछ नहीं सुनूंगा इस बारे में मैं। मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए शादी का गिफ्ट है। सारे इंतजाम मैं कर चुका हूं। तुम लोग यहाँ से इस्लामाबाद जाओगे और वहाँ एयरपोर्ट पे तुम्हें वसीम मिल जाएगा और बाकी डिटेल्स तुम्हें बता देगा। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। देख लिया आपने, मेरी एजेंसी, मेरी तरफ से गिफ्ट, आपको तो सिरे से ही निकाल दिया। मुझे मत घूरिए, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उस बिजनेस में आप भी बराबर के शरीक हैं। अगर गिफ्ट दिया भी है तो उसी एजेंसी के पैसों से दिया है ना, तो असली तौर पे तो उस गिफ्ट में आपके पैसे शामिल हो गए। तुम चुप करके नहीं बैठ सकती? मुझे ही चुप करवाइए। आपको उस वक्त उन्हें चुप करवाना चाहिए था, बताना चाहिए था।
उस एजेंसी में आपका भी हिस्सा है, इस गिफ्ट में आपके पैसे भी शामिल हैं। करूंगा बात मैं शकील भाई से, ऐसे खामोश तो मैं भी नहीं बैठने वाला। अगर आपने सिर्फ बात की ना तो अपनी बातों में उलझा कर आपको फिर से घेर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, थोड़े से पैसे बढ़ा देंगे और आपकी जुबान बंद कर देंगे बस। तो क्या चाहती हो, जाकर शकील भाई का गिरेबान पकड़ लूं, बदतमीजी करूं उनके साथ? देखें, बदतमीजी या गिरेबान पकड़ने से मसाइल हल नहीं होंगे, उल्टा मसाइल बढ़ते हैं। ऐसा करें, इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, अपना हिस्सा मांग लें उनसे। उनके दिए हुए पैसों पर कब तक गुजारा करेंगे हम? यार मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अली तो मैं सबके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अब्बू जान को मना कर देती हूँ। और ये मैं नाराज होकर नहीं कह रही। अच्छा तो फिर कैसे कह रही हो तुम? माही यार ये सारा भी ना कब में चोर होगी। माही जी सारा, मैंने सुना तुम लोग कल जा रहे हो। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, और सच बोलूं तो मैंने ये फैसला अभी अभी किया तुम्हारे पूछने पर। मेरे पूछने पर? मतलब? मतलब मतलब हम इतनी दूर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सारा वहां तुम नहीं होगी ना हमें तंग करने के लिए। हाँ राइट। सारा? अरे माही यार जाने दो। नाराज होके गई हो अली? हाँ तो क्या हुआ, हो गई नाराज तो मना लेना कल। अच्छा मैं उसको खुद सॉरी कह दूंगा। ओके प्लीज। होश तो कहीं अली ऐसे खोलता है यार, वो भी तो हर वक्त आ जाता। मतलब हम इतनी दूर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सारा वहां तुम नहीं होगी ना हमें तंग करने के लिए। मुझसे दूर जाना है अली, नहीं जाने दूंगी। अभी कल की है बात, जैसे दिन का हो साथ, जैसे ढल गई रात, कैसी हुई है खता। सारा दिन गुजर गया, माही सॉरी नहीं करने है? आएगी तो जरूर। रहेंगे जुदा, नहीं खोलूंगी दरवाजा और माही मुझसे सॉरी किए बगैर नहीं जाएगी। अब कहां तेरे हम, हाय जाना तेरा गम। वैसे तुम फर्ज भी कर्ज की तरह पूरे करती हो इरम, बेदिली से बेजारी का लहजा लिए हुए। चलें, कर्ज की तरह ही सही, कम से कम अपने फर्ज तो पूरे करती। पर आप तो जैसे हर फर्ज से आजाद हैं।
तभी तो आपका बेटा बाप का बिजनेस होते हुए दर दर की नौकरियां तलाश। अरे यार, वो उसकी अपनी चॉइस है, ले लेना तो मजा उसे भी अपनी मनमानी करने का। बाय बाय। नहीं, अब तुम लोग हनीमून पे जा रहे हो तो खूब एंजॉय करना। मेरा और माही का निकाह हो गया। जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी मर्जी शामिल थी। मॉम का सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो आपकी बीवी है। अली, बहू तो आपकी वही बनेगी। डैड, हेलो, क्या हुआ है? हाँ अच्छा, आ रहा हूं। क्या हुआ बेटा? मामू, डैड का एक्सीडेंट हो गया। हाय जाना तेरा गम।